हेलो दोस्तों, तो मात्र एक दिन बचा है छठ पर्व को। आज है खरना और कल होगा संझकी अर्घ और परसों भिनसुर की अर्घ। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और कल जो है इसी वक्त हम लोग यहाँ पे पहुँचे रहेंगे। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ स्कूल पे, मेरे पीछे है स्कूल। तो मैं घाट पर से चले आया था क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, सब लोग चले आए थे। क्योंकि मैं इसे पिछले वाला वीडियो जो आपने देखा होगा, शायद नहीं भी देखा होगा, वो मैं एडिट कर रहा था, इसीलिए लेट लग गया। मैं लेट से पहुँचा वहाँ पर, तो सब लोग आ गए। और इस छठ पर्व में सब ने तो कपड़ा लिया होगा, सब ने लिया होगा, पर एक मैं ही हूँ जिसने कपड़ा नहीं लिया है। भाई पैसे ही नहीं थे मेरे पास उतने, तो क्या करें, कोई नहीं, पुराना कपड़ा ही पहन के आएंगे और छठ पर्व मनाएंगे। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पंडाल, तो यहाँ हर एक साल हमारे गाँव में हर एक साल 2 दिन ऑर्केस्ट्रा होता है। वैसे यहाँ तो एक ही दिन होगा, पंचायत भवन पर आज और कल दोनों दिन होगा। तो हो सके तो मैं रात में जाऊँगा देखने, या नहीं भी जाऊँगा। तो आज का यही सीन है। तो रात के अभी बज रहे हैं 11 और मेरा मन नहीं था ऑर्केस्ट्रा देखने का, लेकिन दोस्तों ने फ़ोन किया तो मैं चला आया। नहीं तो अभी सोने का मन था मेरा। और पहले जो है बचपन में मैं विदेशिया और अल्हा रुदल देखता था, लेकिन अब वो दोनों शायद बंद हो गया है। अभी जो है ऑर्केस्ट्रा का ज़माना है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हो। सब चीज़ तो ले आए लेकिन मूली ही भूल गए थे। अभी इस वक्त हैं, अभी खेत में आए हैं मूली लेने के लिए। चौक पे सब चीज़ ले लिए पर मूली भूल गए थे, अभी खेत में मूली ले लेंगे। फाइनली वो घड़ी आ गई, मात्र 2 घंटे बचे हुए हैं अभी संझकी अर्घ होने में। और इस वक्त मैं हूँ अपने घाट पे, और रात में तो उतना मज़ा आया नहीं क्योंकि जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ पे उतना जागरण था। और ऑर्केस्ट्रा जो है आज है, तो हम लोग दूसरे जगह गए थे देखने। और सब लोग अपना अपना घाट बना रहे हैं और हमारा भी यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। बस अभी फन्ना उन्ना साटना है, उसके बाद फिर 4 या 3:30 बजे यहाँ पे आएंगे हम लोग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और आगे का सीन। Yes. और पछाड़ी पर पछाड़ी पार और वेरी फैंटास्टिक छठ पूजा फ्रॉम बिहार, ऑल ओवर बिहार। दिस इज रवना माई देहाती लैंग्वेज। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज अ स्नैक वीडियो, दिस इज चैट चैट। ओह यस, आई डोंट लाइक दिस।
तो अभी भी कुछ देर बाकी है, 4:57 में सूर्यास्त का टाइम है और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि इतना ना भीड़ है इसीलिए। घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, कसम से, मतलब चूटी ससरने का जगह नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब घाट बनाए हम, मेहनत की हम, लेकिन जो पहले आया वहाँ पे अपना पूरा सूप सजा दिया और हम लोग पीछे हो गए तो बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन सुबह में करेंगे, सबसे पहले पहुँच जाएंगे और सबसे आगे हम लोग सजा देंगे सूप को। पूजा था तो इसीलिए ज़्यादा कुछ बोले नहीं, क्या बोलना ना, सब लोग आराम से उसी में एडजस्ट कर लिए क्योंकि घाट जो था वो छोटा था और लोग जो थे बहुत ज़्यादा थे तो इसीलिए वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सका। पर कोई नहीं, अब यहाँ पे घर पे आ चुके हैं अपने और आज ऑर्केस्ट्रा भी है तो हो सके तो आज ऑर्केस्ट्रा देखने जाएंगे, कंफर्म जाएंगे। पंचायत भवन पर नहीं, अपने ही यहाँ जाएंगे क्योंकि अपने यहाँ पे मैंने उस दिन दिखाया था आपको, वहीं पर जाएंगे। ऑर्केस्ट्रा भी देखना चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। मजा आया ना भाई, सब समझ रहे हैं। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आज छठ पूजा का अंतिम दिन है और सुबह के अभी बज रहे हैं 4:15 और हम पहुंच चुके हैं अभी घाट पे। अभी काफी ज्यादा अंधेरा है, सोचे थे जो सबसे पहले आएंगे लेकिन हम ऑर्केस्ट्रा देखने में मगन हो गए। क्या करें, कोई नहीं, अब इतना ना खो गए देखने में कि ध्यान ही नहीं था जो यहाँ पे भी आना है।
दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर यहाँ तक आ गए होंगे तो वीडियो जरूर देखा होगा आपने पूरा। तो ये था हमारे गांव का छठ पूजा। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा जो भाई सपोर्ट करो भाई। तुम्हारे गाँव का कोई लड़का मेहनत कर रहा है इतने दिन से, फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करता है, बताइए, सपोर्ट कीजिए हम लोग को। तो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा भाई, दबा के शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मतलब पूरा फैला दीजिएगा गांव में। जितना फैलाइएगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्या समझे? फैला दीजिएगा यार, दिल से बोल रहे हैं, फैला दीजिएगा। बहुत मेहनत की है बनाने में। जो लोग गांव नहीं आ सके उनसे मैं कहना चाहूँगा भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो लोग नहीं आ सके उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को, और अपने गाँव का छठ पूजा दिखाओ। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब जाइए आप लोग भी छठ पूजा में, जो टिकड़ी पिरिकिया बना है उसको खाइए और आनंद लीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगले वीडियो में कोई नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद, टाटा। आप चालू कर।